नमस्कार साई नमन नमो एस एन एन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं वो गणेश चिल्का भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मंदिर खुलवाने के लिए एक दिवसीय सांकेतिक उपवास कर धरना प्रदर्शन किए हैं। भिवंडी भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी के नेतृत्व में वरालदेही मंदिर के बाहर रोड पर बैठ कर धरना दिए है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द मंदिर खुलवाए और भक्तों को दर्शन लेने की अनुमति दे, ऐसा उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मंदिर खुलवाने के लिए एक दिवसीय सांकेतिक उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया गया। भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी के नेतृत्व में वरालदेही मंदिर के बाहर रोड पर बैठकर आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन में भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में दारू पिलाने वाले बियर बार चालू करवाए हैं, मगर मंदिर अभी भी बंद रखे हैं। इसका क्या मतलब है? देश के कई राज्यों में मंदिर चालू है और भक्तगण सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके दर्शन कर रहे हैं, मगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंदिर चालू करवाने में अभी तक किसी तरह का भी निर्णय नहीं लिया है। इससे धार्मिक आस्था के लोगों के मन में दुख प्रकट हो रहा है। उद्धव सरकार जल्द से जल्द महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थल व मंदिर चालू करवा के भक्तों को दर्शन लेने की अनुमति दे, नहीं तो आस्था के लोग भड़क उठेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इस एक दिन से सांकेतिक उपवास विरोध प्रदर्शन में भिवंडी भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, भिवंडी भाजपा दक्षिण मंडल के अध्यक्ष वासम राजेंद्र, महिला अध्यक्ष रमा बोदुला, भिवंडी भाजपा दक्षिण भारतीय आघाड़ी के अध्यक्ष मोहन कोंडा, भिवंडी भारतीय जनता पार्टी आध्यात्मिक सेल के अध्यक्ष शंकर वड़ीगोपुला, नगर सेवक सुमित पाटिल, महिला मोर्चा अध्यक्ष ममता परमनी, डॉक्टर चन्ना राजमल्लैया, वेंगल सागर, अनिल कोंडा व आदि पदाधिकारी लोग शामिल हुए। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में भिवंडी भारतीय जनता पार्टी आध्यात्मिक सेल के अध्यक्ष शंकर वड़ीगोपुला स्वामी जी ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के पर गाना गाकर विरोध जताए हैं। उद्धव सरकार तुझे धंधो सरकार, उद्धव सरकार तुझे धंधो सरकार, उद्धव सरकार तुझे धंधो सरकार, उद्धव सरकार तेरा धंधो सरकार, चालू करो मंदिर हर हाल, चालू करो मंदिर हर हाल, चालू करो मंदिर हर हाल, चालू करो मंदिर हर हाल। ये गवर्नमेंट पूरा सो गई है, कोई इनको धार्मिक है नहीं। ये आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी का पार्टी नहीं रहा, इनका सोच विचार हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये पूरी मिली जुली सरकार बन के बैठी है। इनको सिनेमा घर चालू मांगता है, इनको बियर बार चालू मांगता है, इनको वाइन शॉप चालू मांगता है, लेकिन इनको मंदिर बंद मांगता है। पूरा इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जो स्थिति है सामान्य होते जा रहा है, सब खुल रहे हैं, सब मतलब सोशल डिस्टेंस छोड़ के अभी सब लोग काम पे जाने लगे, सब कुछ काम थोड़ा थोड़ा ट्रेन चालू होने लगे, बस कार सब चालू होने लगे। अभी उद्धव सरकार को खाली एक ही बचा है, उनको दारू दिख रहा है, सिनेमा हॉल दिख रहा है, सब चालू करने के दिख रहा है, क्योंकि उनको उसमें आमदनी दिख रहा है। लेकिन जो बाला साहब जो हिंदुत्व के लिए लड़े थे महाराष्ट्र में, जो दमदार के साथ जीते थे, हिंदुत्व के लिए लोगों के लिए लड़ते थे, जो अगर बाला साहब रहते थे ना मंदिर पहला खुलवाते थे। लेकिन जो अभी उद्धव साहब जो सरकार है, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से मिल के जो हिंदुत्व को पीछे करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके नाकामी के वजह से जो सरकार के खिलाफ हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मोदी जी के नेतृत्व और फडणवीस जी के नेतृत्व में और भिवंडी में खासकर हमारे डेसिंग डैरिंग हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उनका नेतृत्व में पुरोहित संघ के साथ में लेके हम लोग जो मंदिर खोलो का आंदोलन कर रहे हैं, उसमें लिए हम लोग पूरा महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करते हैं, आप पहला मंदिर खोलो, क्योंकि नवरात्रि आने वाले, जो हमारा कुल देवता हमारा वरालदेही माता है, हमको 9 दिन नवरात्रि का देवी का दर्शन लेना है। और हमारा पद्मशाली समाज के उनका बतकम्मा का जो वो कार्यक्रम आ रहा है, सबको त्यौहार बनाने के, अभी हम लोग हमारा सोशल डिस्टेंस हम लोग देखने के लिए राजी है। कोरोना थोड़ा कमज़ोर हुआ, भले पूरा गया नहीं है, लेकिन अभी आदमी भी कितना दिन रहेगा, हमारा रोजी रोटी के लिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं। इसके लिए हम लोग मन शांति के लिए हम लोग भक्ति के लिए मंदिर का खोलने के लिए हम लोग गुजारिश करते हैं। चलो है क्या महाराष्ट्र के बाहर जितनी स्टेट है और सब इंडिया में ही है, सब जगह मंदिर खुला है। गुजरात बोलो, आप गोवा बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, कर्नाटक बोलो, राजस्थान बोलो, सब जगह के मंदिर खुला है। फिर भी हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने जो जो यहाँ के मुख्यमंत्री कहा उसको हम लोगों ने साथ दिया। हमारी गणपति फेस्टिवल आई, जैसे उन्होंने गाइडलाइन दिया, हम लोग कम में किए। अब
जब बीच में हम लोग ने आंदोलन एक शब्द के पत्र दिया था प्राण में कि मंदिर चालू कराओ, तो हमको अपेक्षा थी कि ये जो दारू का धंधा वाइन साहब उन्होंने चालू किया बियर बार, तो हमको ऐसे अपेक्षा थी कि सभी को वो मंदिर भी करेंगे। तो वो बियर बार को तो उन्होंने दे दिया चालू करो, अब मंदिर का दिया नहीं, मतलब क्या बार में वो कोई जाता नहीं क्या? अगर ऐसा अगर लोग को मान पड़ा तो सब दारू पीते बैठेंगे। और एक सक्षम महाराज था शिवाजी महाराज को वो मानने वाला महाराजा हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, इनको प्यार करने वाला महाराष्ट्र की जनता क्या हालत होगा? तो आपको एक जगह अगर कुछ चालू करना है तो मंदिर क्यों नहीं? जब वहाँ पे 100-200 लोग जमा हो सकते तो मंदिर में क्यों नहीं? मंदिर में गाइडलाइन दो, जैसे गणपति हम लोग दिए गाइडलाइन, लोग ने माने, कितने लोग आए, कुछ हुआ नहीं हुआ, बकरीद आई, बकरीद में गाइडलाइन आपने दिया, लोग ने माने, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे मंदिर का नियोजन करके आप आगे गाइडलाइन दोगे, जैसे रेलवे चालू किए एक गाइडलाइन दिए, मॉल चालू किए एक गाइडलाइन दिए, तो वो गाइडलाइन मंदिर में और ज़्यादा लोग मानेंगे, क्यों? मंदिर ऐसा जगह है कि वहाँ पे सब लोग मन साफ से आते हैं और हर जो भी वहाँ के जो पंडित है, वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, हमारे बुद्धिवार का हो, हमारे चर्च में हो, उनको मानते हैं, तो इधर इधर सोपा है। आज जो महाराष्ट्र के जो मंदिर है, साईबा मंदिर है, गणपति भगवान मंदिर है, आज सब बंद है। तो ये कहना का गलत है, कोई तो डिसीजन ऐसा होना चाहिए, खुद मत चालू करो। आपको महाराष्ट्र ने एक्सेप्ट किया ना, आपने जो जो बोला एक्सेप्ट किया कि नहीं, तो अभी क्यों ऐसा है ये काम करो? चालू करो मंदिर हर बार, चालू करो मंदिर हर बार, डॉक्टर भी कहते हैं भगवान के हार, डॉक्टर भी कहते हैं भगवान से हार, डॉक्टर भी कहते हैं भगवान से हार, डॉक्टर भी कहते हैं भगवान से हार, उद्धव सरकार तुझे धुंधो सरकार, उद्धव सरकार तुझे धुंध सरकार, उद्धव सरकार तुझे धुंध सरकार, चालू करो मंदिर हर बार, चालू करो मंदिर हर बार, चालू करो मंदिर हर बार, चालू करो चालू।